आज की इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के मित्रों का स्वागत है। अभी अभी माननीय गृहमंत्री जी का प्रवास संपन्न हुआ जम्मू कश्मीर में, और उसी निमित्त आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि संबोधन अपना शुरू करें। सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह साहब 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए। यहां माननीय गृहमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों से बातचीत की। गृहमंत्री जी ने जम्मू संभाग के अंदर हो या कश्मीर घाटी के अंदर समाज के अलग अलग वर्गों के जो प्रतिनिधि थे उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो जरूरी कदम उठाने हैं उसके दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं माननीय गृह मंत्री जी के इस दौरे के दौरान 2 बड़ी जनसभाओं को आयोजित किया गया था, जिसमें एक जनसभा सीमावर्ती क्षेत्र रजौरी के अंदर रखी गई, जो रजौरी के अंदर रैली हुई, जिसमें पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंजाकोट, थना मंडी, दरहाल, कोटरंका, बुद्धल, ढांगरी, मुरादपुर, डूंगी, चिंगस, नौशहरा, सुंदरवानी, कालाकोट, बुद्धल और मोगला त्रियाट क्षेत्रों से लाखों की तादाद में एक जन सैलाब रजौरी की उस रैली में उमड़ कर आया। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का जिस प्रकार रजौरी की रैली में भव्य स्वागत हुआ और माननीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में एक जन समंदर, एक जन सैलाब इस सीमावर्ती क्षेत्र रजौरी के अंदर निकला, अपने आप में ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण थे, ऐतिहासिक पल थे। वहीं माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर के अंदर जो बारामूला के अंदर जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उत्तरी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अधिकांश, इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग उस रैली में बढ़ चढ़ कर आए। और यह भी एक ऐतिहासिक रैली कश्मीर के इतिहास में लिखी जाएगी, जिसमें हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ कर आया। जितना जन सैलाब रैली ग्राउंड के अंदर था उससे 2 गुना लोग सड़क के बाहर थे, जो कि उस रैली में अंदर जगह ना होने के कारण से बाहर से ही छतों से, पहाड़ों से उस रैली का दृश्य का नजारा ले रहे थे। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम का, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के इस दौरे को उन्होंने एक ऐतिहासिक, एक यादगार दौरा बनाया। और जिस प्रकार रजौरी और बारामूला के अंदर एक जन सैलाब उमड़ कर आया,
ये जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली तस्वीरें। रजौरी की जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की रैली हो या बारामूला के अंदर हुई रैली में जिस प्रकार लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन की, जिस प्रकार लोग रजौरी और बारामूला की रैलियों में शामिल हुए, यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा किए गए जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो लोगों की भलाई के काम मोदी सरकार कर रही है, ये उसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार पूरे जम्मू कश्मीर के चारों दिशाओं में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हर वर्ग की चिंता की है, चाहे गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, पहाड़ के लोग हों, मैदान के लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जम्मू संभाग के रहने वाले देशभक्त डोगरा समाज के लोग हों या हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले वादिये कश्मीर के हमारे भाई बहन हो, जिस प्रकार मोदी साहब ने हर सेक्शन का भला किया है, मोदी साहब ने हर शख्स की चिंता की है, हर इंसान की खिदमत मोदी साहब ने की है, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी के झंडे बड़ी शान से लहरा रहे हैं और फहराए जा रहे हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं और विशेषकर बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ के लोगों का कि जिन्होंने रजौरी की रैली को बहुत भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज किया और वहीं बारामूला के अंदर हुई रैली में मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों का, वो चाहे श्रीनगर हो, गांधरबल हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो या बड़गाम हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों का भी मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इन दोनों बड़ी रैलीज में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस रैली की शोभा बढ़ाई। साथियों, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है मोदी सरकार का मूल मंत्र, मिशन जिसके साथ मोदी सरकार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के हर वर्ग का भला, हर वर्ग की चिंता, हर व्यक्ति की चिंता मोदी सरकार कर रही है। पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार के दौरान चाहे पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, गोरखा समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महिलाएं हों, गद्दी सिप्पी हों, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, जम्मू के डोगरे हों या हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे कश्मीर के अंदर रहने वाले भाई बहन हो, सबकी चिंता मोदी सरकार ने की है और सबको उनके हक मोदी सरकार ने दिए हैं। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर यहां डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वहीं समाज के हर वर्ग की चिंता मोदी साहब कर रहे हैं। यहां समाज के अंदर रहने वाले दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, समाज के हर वर्ग का
भला मोदी सरकार ने किया है, वहीं आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी समाज के लोग हों, समाज के हर वर्ग का भला मोदी सरकार करेगी और कर रही है, इसका विश्वास हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब ने दिया है। माननीय गृह मंत्री जी के दौरान यहां समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि अमित शाह साहब से मिले, उन्होंने अपनी समस्याएं माननीय गृह मंत्री जी को बताई और माननीय गृह मंत्री जी ने उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। वहीं जो प्यार जनता ने राजनीतिक पॉलिटिकल रैलीज के जरिए रजौरी और बारामूला में दिया है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये क्षण लिखे जाएंगे और यकीनन जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल रैलीज, रजौरी के अंदर हुई माननीय अमित शाह साहब की रैली और बारामूला के अंदर हुई माननीय अमित शाह साहब की रैली, ये जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने वाली रैलियां हैं। रैलियों के अंदर उमड़े जन सैलाब, जन समुंदर और लोगों के अंदर जोश, जनून और जज्बे को देखकर मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि ये दोनों रैलियों से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाली है और जम्मू कश्मीर एक नए राजनीतिक युग की ओर आगे बढ़ चुका है। आपने कहा कि बीजेपी जो है हर वर्ग की चिंता कर रही है, डेली वेजेस की चिंता कौन करेगा? रविंद्र से लेकिन उनके हाथ हाथ भी खाली है। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं रही जो पिछले 70 साल के अंदर यहां जिन सरकारों ने राज किया उनकी देन बहुत सारी समस्याएं, पुरानी सरकारों की नीतियों के कारण यहां बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया गया, लेकिन एक एक करके इन सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं रजौरी और बारामूला की रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल का आंकड़ा और 2019 के बाद 3 साल का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि मोदी सरकार ने पिछले 3-4 वर्षों के अंदर इतने काम किए हैं, इतने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है जो 70 साल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें नहीं कर सकी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कल एक व्हाइट पेपर इश्यू किया कि उन्होंने क्या क्या काम किए। मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहता हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत रही हो या पीडीपी की सरकार रही हो, 70 साल यहां पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के अधिकारों का हनन हुआ, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, दलितों का हनन हुआ, वहीं गुजर और बकरवालों के अधिकारों का हनन किया गया, महिलाओं के अधिकारों का हनन 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार के अंदर हुआ। पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर हर वर्ग के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया गया,
अब मोदी सरकार के आने से ये सारे दुख कष्ट तकलीफें इनजस्टिस ये दूर किए जा रहे हैं। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सब हमारे हैं, सबकी चिंता हमको करनी है, सबकी चिंता हमने करनी है, सबकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। छल कपट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने 70 साल जम्मू कश्मीर की आवाम से छल कपट धोखा पीठ पर छुरा घोंपने का काम कांग्रेस की सरकारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। केंद्र के अंदर हमेशा कांग्रेस की सरकारें रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उनके हमेशा हमदर्द बन के रहे, लेकिन कभी यहां गुजर बकरवालों को पहाड़ियों को ओबीसी समाज के लोगों को महिलाओं को बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को वाल्मीकि समाज को गोरखा समाज को या दलित समाज को अधिकार नहीं दिए गए, ना ही